हेलो दोस्तों, आज के हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इन तथ्यों को हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देखेंगे। यूपीपीएससी 2017 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो आप हमारा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं। पहला है हमारा, पृथ्वी को दीर्घायत किसने बताया था? तो रोमन भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो ने पृथ्वी को दीर्घायत बताया था। अगला हमारा, सर्वप्रथम पनामा जल संधि के आर पार पनामा नहर बनाने का विचार किसने दिया था? यह विचार दिया था जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। अगला हमारा, प्रथम व्यक्ति जिसने मानचित्र पर समताप रेखा को दिखाया था? तो समताप रेखा को सर्वप्रथम मानचित्र पर जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिखाया था। पृथ्वी तल का अध्ययन मानव केंद्र बनाकर किसने किया था? यह किया था कार्ल रिटर ने। अगला हमारा, आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कार्ल रिटर को। अगला हमारा, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता फ्रेडरिक डेटजेल को कहा जाता है। अगला हमारा, मानव भूगोल के जनक की उपमा भूगोलवेत्ताओं ने किसे दिया था? ये उपमा दिया गया था ब्लास को। अगला हमारा, एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह ग्रंथ फ्रेडरिक डेटजेल के द्वारा लिखी गई थी, जिसे मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। अगला हमारा, किस ग्रंथ के आधार पर मानव भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन चालू हुआ? तो यह अध्ययन जो चालू हुआ, ये एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ के द्वारा चालू हुआ। अगला हमारा, सर्वप्रथम औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था जर्मन भूगोलवेत्ता वेबर ने। अगला है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में की गई? तो यह विभाग जो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, इसका नेतृत्व मेजर जनरल रेनल ने किया था। अगला हमारा, संसार के मानचित्र को किसकी संज्ञा से अभिहित किया जाता है? संसार के मानचित्र को मिलियन मानचित्र की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। अगला है, भूपत्रक किसे कहते हैं? संसार के मानचित्र को ही भूपत्रक या मिलियन मानचित्र को ही भूपत्रक कहते हैं। अगला हमारा, संसार का सबसे प्राचीन मानचित्र कहाँ मिला? यह मानचित्र जो है बेबीलोन में मिला। बेबीलोन जो है ये मेसोपोटामिया सभ्यता का एक हिस्सा है, जो कि करंट में इराक से लगभग 94 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में बगदाद में स्थित है। अगला हमारा, ट्यूरिन पेपिरस क्या है? ये भी जो है एक प्राचीन मानचित्र है, ये भी एक प्राचीनतम मानचित्र है जो कि मिस्र में है। अगला हमारा, मानचित्रों को छोटा या बड़ा करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इस यंत्र को कहते हैं पेंटोग्राफ। अगला है, अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के नियमित जाल को क्या कहते हैं? तो इनके नियमित जाल को कहते हैं प्रक्षेप। अगला है हमारा, संपूर्ण ग्लोब को किस प्रक्षेप पर दिखाया गया है? तो संपूर्ण ग्लोब को मालवीड या ज्यावक्रीय प्रक्षेप पर दिखाया गया है। अगला है, जलयानों व समुद्री यातायात के लिए किस प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए मार्केट प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है। अगला है, समुद्री धाराओं के लिए किस प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए भी मार्केट प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है। अगला है, वायु मार्गों के लिए किस प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए केंद्रीय खमद प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा, भारत और ऑस्ट्रेलिया को दर्शाने के लिए किस प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया दर्शाने के लिए बोन प्रक्षेप का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा, बहुसंकीय प्रक्षेप के जन्मदाता कौन थे? तो इस प्रक्षेप के जन्मदाता प्रोफेसर फर्डिनेंड हेसलर थे। अगला है, बहुसंकीय प्रक्षेप का संशोधित रूप क्या है? तो इस प्रक्षेप का जो संशोधित रूप है वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने 24 क्वेश्चन कवर किए हैं और शॉर्ट टाइम में आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि पिछले कई वीडियोस में हमारे कमेंट आई थी जिसमें स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर वीडियोस को कम टाइम में कवर करने की कोशिश करें। तो हमने ये वीडियो कम टाइम में कवर करने की कोशिश की है, इसमें 24 क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक भी करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।